नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा गुणकारी और हितकारी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 5 छिलकों के बारे में बता रहे हैं जिससे आपकी त्वचा का काला रंग जो है वो गोरा होने में बदल जाएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे उपाय हैं और प्राकृतिक नेचुरल उपाय हैं जिनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और वह बहुत ही असरकार तरीका है और इससे अच्छा तरीका तो आज तक कोई बना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि ज्यादातर फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो ऐसे ही नहीं कहते, वो कुछ सोच समझ कर और इनके कुछ फायदे होंगे इसीलिए हमें ये चीज बोली जाती है और इसके पीछे कोई ना कोई जबरदस्त कारण भी जरूर होता है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर फल ही नहीं उनके छिलके भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। हम अक्सर फलों के छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये हमें कई तरह के त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे फलों के छिलकों में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ज्यादा फायदा पहुँचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन छिलकों का प्रयोग करने से न केवल सौंदर्य निखरता है बल्कि कई रोग भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ किन फलों के ऐसे छिलके हैं जो हमारी त्वचा पे बहुत ज्यादा आराम और हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। और सबसे पहले मैं आपको तरबूज के छिलके के बारे में बताती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तरबूज एक ऐसा मौसम फल है जो गर्मियों के में ही मिलता है। यह हमारे शरीर में पानी की कमी को काफी हद तक पूरा कर देता है। तरबूज के छिलकों का पेस्ट चेहरे पर लगाने से दाग, एक्जिमा की शिकायत दूर होती है, साथ ही यह त्वचा को ग्लो करता है और बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको संतरे के छिलके के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, संतरा वैसे हमारे शरीर के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है, यही साथ साथ हमारी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। संतरा विटामिन सी से भरपूर फल होता है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिन लोगों को संतरा खाना पसंद नहीं है, वो संतरे के छिलकों को चेहरे पर प्रयोग कर अपना चेहरा ग्लो करा सकते हैं। संतरे के छिलके का पेस्ट बनाकर इसे चेहरे पर लगाने से ब्लैकहेड्स दूर होते हैं और त्वचा पर मुहासे की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, केले के छिलके के बारे में। केले का छिलका भरपूर मात्रा से पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन B6 और विटामिन B12, मैग्नीशियम और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। केले के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्टार्च को कम करता है। केले के छिलके को चेहरे पर लगाने से टैनिंग और पिंपल्स दूर होते हैं और यह हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब अनार के छिलके के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ कि अनार हमारे शरीर के लिए जितना अच्छा होता है, हमारे ब्लड के लिए जितना अच्छा होता है, यहीं उसके छिलके भी बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदा करते हैं। अनार के छिलकों का प्रयोग स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। धूप में जाने से पहले अगर आप सनस्क्रीन लगाने से एलर्जी होती है तो आप इस स्थिति में अनार के छिलकों का पेस्ट बनाकर लगा सकती है। इससे आप पिगमेंटेशन और दाग धब्बे से बच सकती है। साथ ही ये स्किन पर टैनिंग भी नहीं होने देता और इससे आपकी स्किन ग्लो है। पपीते के छिलके। जी हाँ दोस्तों, पपीता भी बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभदायक साबित होता है। पपीता एक ऐसा फल है जो पेट के लिए रामबाण माना जाता है। यह कब्ज, अब्ज, गैस, दस्त जैसी समस्या से छुटकारा दिलाता है। पपीते के छिलके को चेहरे पर लगाने से कई तरह के लाभ मिलते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और इससे झुर्रियों से भी निजात मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप फल के साथ साथ छिलके को भी बर्बाद ना होने दीजिए। आप फल के साथ साथ छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमारे बताए गए उपाय आयुर्वेदिक से रजिस्टर्ड होते हैं, आयुर्वेदिक के बताए गए उपाय होते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।